हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फरा। देख सकते हैं फरा की रेसिपी, फरा जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। उड़द की दाल ले ली है जो कि हमने रात में भर भिगो दिया था पानी में इस तरीके से। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। करने जा रही हूँ फरा। फरा बनाने के लिए हमने ये चावल का आटा ले लिया है, आप देख सकते हैं। इसको हम सान लेते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार, और फिर मैं इसको सान लेती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के सान लेते हैं इसको। इसको हम अच्छे से सान लेंगे। फरा बनाने के लिए हमने एक प्याज ले लिया है, लहसुन ले लिया है, दो मिर्चा ले लिया है। अब मैं इसको पीस लूंगी। ये आटा हमने सान लिया है, चावल का आटा, देख सकते हैं। फरा बनाने के लिए हमने उड़द की दाल ले ली है जो कि हमने पीस लिया है। इसमें हम थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं, आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सब्जी मसाला यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा ये डाल देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। और ये हमने प्याज और लहसुन मिर्चा को पीस लिया है, एक चम्मच मैं इसको, दो चम्मच डाल देती हूँ इसमें। इसको अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा सा नमक भी मिला देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। अब मैं इसको मिला लेती हूँ। फरा बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें पानी डाल दिया है। ये फरा हम भाप से बनाएंगे, तो ये जब पानी खौलने लगेगा तब मैं बनाती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ। इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया भी डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिला लेंगे करके ऐसे से टिक्की बना लेंगे। ऐसे से करके आप देख सकते हैं छोटे छोटे टिक्की इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये बन गया हमारा। थोड़ा सा ऐसे आटा और ले लेंगे, फिर ऐसे से कर लेंगे, फिर इस तरीके से ऐसे से करके ऐसे ढेर सारी हम टिक्की बना लेंगे। देख सकते हैं आप। मैं इसको खोल देती हूँ, हमारा फरा लगभग बन ही गया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से बना है। अब मैं इसको निकालती हूँ। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए, हमारा फरा बन गया है। ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है, देख सकते हैं। मेरी फरा बहुत अच्छी तरीके से तैयार है, ये देखिए, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बना हुआ है। अब हम इसको फ्राई कर ले। फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें तेल डालती हूँ। इसमें तेल डाल लेते हैं, तेल गर्म हो जाएगा तब मैं इसको फ्राई करूँगी। इसको फ्राई करने के लिए हमने थोड़ा सा मिर्चा ले लिया है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हरा धनिया। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें मिर्चा जीरा डाल देती हूँ। अब मैं इसमें हरे को डाल देती हूँ। अच्छे से चला लेंगे।
तरीके से। और ये सारा बहुत ही टेस्टी लगता है, इसको हम अच्छे से भून लेंगे, दे सकते हैं। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ, दे सकते हैं। अब फल हमारा भून गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तैयार है, आप दे सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए प्लीज आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हों प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।